तो जैसे मैं बता रही थी कि मैंने फ्रेंच सीखना तो स्कूल और कॉलेज में ही किया, एंड बाय द टाइम मैंने अपने मतलब टीवाई बीकॉम की एग्जाम दी, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आए थे, और थोड़े दिनों में ही मुझे एक जॉब ऑफर आई, एक फ्रेंच ट्रांसलेटर थी। वो जॉब मुझे इसीलिए मिली क्योंकि मैंने फ्रेंच सीखा हुआ था, बट क्योंकि तभी उस टाइम पे इतने इजीली फ्रेंच स्पीकिंग लोग नहीं मिल रहे थे, इसीलिए मुझे ये एडवांटेज मिल गया बाकी ग्रेजुएट्स के सामने। तो वहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई फ्रेंच के साथ, और फिर एक से एक अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आने लगी, तब मुझे फ्रेंच मेरी नॉलेज का मुझे महत्व दिखाई दे रहा था कि हाँ कि मेरे पास सच्ची एक ट्रम्प कार्ड है, बाकी लोग से और बाकी ग्रेजुएट से मैं एक स्टेप आगे इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे फ्रेंच भी आती है इसलिए। तो शुरुआत के करियर के 4-5 सालों में मैंने फ्रेंच ट्रांसलेटर का काम किया, और ये मुझे एक अच्छा करियर स्टेप था मेरे लिए क्योंकि एज अ ट्रांसलेटर मैं अपनी फ्रेंच प्रैक्टिस कर पा रही थी, इम्प्रूव कर पा रही थी। मोस्ट ऑफ माई करियर ये था, मतलब मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली कैपजेमिनी के साथ एज अ पार्ट टाइम ट्रांसलेटर, प्रोजेक्ट बेसिस पे, 6 मंथ का प्रोजेक्ट था, और फिर मुझे ऑफर आई फ्रेंच की बहुत बड़ी कंपनी नेवल ग्रुप। नेवल ग्रुप इंडिया में इंडियन नेवी के लिए सबमरीन्स बना रही है, स्कॉर्पियन सीरीज की। तो तभी जब मैंने इनको ज्वाइन किया था 2009 में शायद जी, तब तभी बस रिसेंटली वो कंपनी ओपन हुई थी और पहला पहला प्रोजेक्ट मिला था उनको इंडियन नेवी से। तो वो सबसे मतलब मेजर मेरा करियर टर्निंग पॉइंट था कि इतनी बड़ी कंपनी के साथ मुझे मौका मिला। वहाँ से शुरू होके फिर मुझे जो मैं आपको पहले बता रही थी कि फ्रेंच एम्बेसी में मुझे एंट्री मिली एज एन अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, तो मैंने वो काम शुरू किया। फिर मुझे एमबीए करना था तो मैंने वो जॉब छोड़ी और दूसरी जॉब ले ली जो मुझे एमबीए करने में मतलब मुझे उतना टाइम मिल पाए एमबीए प्रोसेस करने में। तो फिर वो जो जॉब मिला मुझे वो था एक विप्रो में। विप्रो के भी काफ़ी सारे इंडियन कंपनी है पर उनके काफ़ी सारे फ्रेंच क्लाइंट्स हैं, तो उनके एक फ्रेंच क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक उनके क्लाइंट थे। तो मैंने क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड भी था और मुझे फ्रेंच भी आती थी, तो मुझे और थोड़ा बैंकिंग एक्सपोजर भी था, तो मुझे वो एक 12 मंथ के असाइनमेंट में उन्होंने लिया था। और मुझे एक्चुअली सिंगापुर जाने की भी सिंगापुर जाने के लिए भी मुझे चांस मिला था, ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था मुझे। सो ऑल दिस बिकॉज आई स्पोक फ्रेंच, जस्ट वांटेड टू हाईलाइट अगेन। और फिर उसके बाद ट्रैफिक ब्यूरो करके एक कंपनी है, ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट्स ट्रेडिंग सेगमेंट में है, तो उनका भी काफ़ी सारा काम वेस्ट अफ्रीकन रीजन में है। तो मुझे मैं कॉन्ट्रैक्ट्स टीम में थी, फ्रेंच और इंग्लिश में बाइलिंगुअल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती थी मैं, सेल और परचेज। तो अगेन वहाँ पे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उनका एक्चुअली फर्स्ट चॉइस था कि किसी लॉयर को रिक्रूट करें, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट्स का काम है तो एक लॉयर जिसने लीगल स्टडीज किए हैं वो बेस्ट फिट है वो जॉब के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट बना सके एक्सेट्रा। बट ऐसा हो गया था कि उनको लॉयर और फ्रेंच बोलने वाला कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था, तो सेकेंड चॉइस वॉज मी, वेर आई हैड अ प्रूवन हिस्ट्री इन फ्रेंच, और मुझे उन्होंने जॉब ऑफर की और मुझे लीगल ट्रेनिंग भी दी गई। तो आप देख रहे हो कि एडवांटेज ये था कि आज कॉम्बिनेशन वाले प्रोफाइल्स नहीं मिल रहे आसानी। और स्पेशली ये सब हुआ सिर्फ क्योंकि आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आती है, बिकॉज आपको एक फ्रेंच आती है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो एमबीए है या जो मान लो जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की हुई है, वो कहने के एक ही सेक्टर में काम करते रहते हैं, बट जस्ट बाय लर्निंग वन लैंग्वेज आपने इतने वेरिएड यू नो इंडस्ट्रीज में काम किया है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, कंपनीज के साथ में, काफी कुछ आप कर चुके हो, तो ये अपने आप में एक बहुत यूनिक यू नो इट दैट मेक्स इट वेरी यूनिक कि जस्ट बाय लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज एक पर्सन इतना कुछ कर सकता है जो एक एमबीए वाला भी यू नो काफी हद तक नहीं कर पाते, या इवन इंजीनियर्स जो होते हैं वो भी नहीं कर पाते. सो दैट इज आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ यू नो नोइंग अ फॉरेन लैंग्वेज.